नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा। सीमा के चैनल पर मेरे प्यार प्यारे दोस्तों का स्वागत है। आज मैं DIY लेके आई हूँ, कुछ अमेजिंग सा, कुछ अच्छा सा, तो आज जो कुछ हटकर है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ना लूँगी, वीडियो स्टार्ट करूँगी। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि काउलिंग क्ले कितना बेनिफिट देता है, मैंने एक दिन वीडियो शेयर भी किया था आपके पास, सिंपल सा रेमेडी की तरह शेयर किया था, जो आपके फ़ायदेमंद के लिए, जो बिल्कुल कुछ नहीं यूज करना है, एक नॉर्मल पानी में काउलिंग क्ले। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए, मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए। तो आज मैं कुछ अलग सा लेके आई हूँ कि काउलिंग क्ले किसी और भी तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं उसे आज 4-5 दिन से यूज कर रही हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना शेयर करूँ अपने दोस्तों के साथ। मैंने आज भी उसे यूज किया, अपने अपने को अपने आप को लगाया और अपने घर में भी लोगों को लगाया है, तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ ये वीडियो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लूँगी, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने ले रखा है, मैंने इसको पहले से पेस्ट बनाया है, मैंने 10 मिनट के लिए इसको काउलिंग क्ले को ले रखा है, इसको घोल तैयार कर लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करूँगी, सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी रोशनी नहीं आ रही थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, सॉरी। तो मैं इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है, मैंने इसको गुलाब जल से ही पूरा बना रखा है घोल। और क्योंकि इसको मैंने घोल इसलिए पहले से बनाया है क्योंकि ये फूल जाता है, मैंने इसमें काउलिंग क्ले है और गुलाब जल से घोल बनाया। और इसमें मैंने एलोवेरा, आधा चम्मच मैंने इसमें एलोवेरा ऐड कर रखा है और आधा चम्मच से कम मैंने इसमें ऑरेंज पील पाउडर ऐड कर रखा है। इन सब का मैंने घोल बना के, क्योंकि मैंने इसको रख दिया क्योंकि ये फूल गया है, 10 मिनट पहले ही मैं ऐसे ही रेमेडी इसको तैयार करके ऐसे ही अप्लाई कर रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ सॉरी दोस्तों, मैंने इसको पहले से ही मैंने बना लिया था क्योंकि इसको फूलने के लिए रख दिया था मैंने 10 मिनट के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। मैंने 1 चम्मच काउलिंग क्ले लिया है और आधा चम्मच एलोवेरा जेल लिया है और आधा चम्मच से थोड़ा कम मैंने इसमें ऑरेंज पील पाउडर ऐड किया है। इसको मैंने गुलाब जल से पेस्ट बना के इसको मैंने 10 मिनट पहले ही रख दिया था, तो भी थोड़ा सा फूल गया है। और इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी गुलाब जल, ठीक है, थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी है हमें, एक पतला सा इसको पेस्ट देना, बहुत पतला नहीं बनानी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी इसको, इसको मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगी कि इसको किस तरह आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और कितना अच्छा ये ग्लो दे सकता है आपको काउलिंग क्ले, ठीक है। ऐसे आप पतले लेयर लगाकर आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करिए और इसको 15 से 20 मिनट तक नहीं छोड़ना है, आपको 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रब करना है अपने फेस पे, नेक पे, कहीं पे बॉडी पे प्रॉब्लम हो, कहीं पे दिक्कत हो आपको कि वाइटनिंग करना है, ये वाइट ब्राइट सबके लिए है, आपके सन टैनिंग को भी रिमूव करेगा। और वाइटनिंग के लिए तो खासकर ये वाइट वाइट वाइट, गोरा गोरा गोरा, कितने भी काले लोग हों, गोरे हो सकते हैं, 2-4 दिन के लिए तो गोरे हो ही सकते हैं, अगर डेली फॉलो करेंगे तो हमेशा ही गोरे बने रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि काले लोग गोरे नहीं हो सकते, हो सकते हैं, 2 से 3, 4, 5 सेट तक गोरे हो सकते हैं अगर आप इसे डेली फॉलो करेंगे, अगर हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगा और आपको एक चेहरे पर अच्छा ग्लो लाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे 5 से 10 मिनट तक इसको रब करिए और नहा लीजिए, नहीं नहा रहे तो आप इसको वॉश कर लीजिए ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से, और देखिए इंस्टेंट ग्लो मिलेगा, इतना ग्लो मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ आपके फेस पे कितना अच्छा ग्लो मिला है, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।